आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच आज से वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई और ट्रेन का शुभारंभ किया। अब सप्ताह में 6 दिन चलने वाली लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 20 मिनट में ये सफर पूरा करेगी, जबकि अन्य ट्रेन यही दूरी तय करने में करीब 11 से 12 घंटे लेती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में एक से बढ़कर एक सौगातें दी हैं, लगातार विकास की रेल पटरियों पर दौड़ी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज 75,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा, लाल कुआं से अमृतसर, दिल्ली से देहरादून, टनकपुर से देहरादून में ट्रेन पहले चलाई गई हैं और अब देहरादून से लखनऊ के लिए आज से वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हो गया है, जिसके जरिए 8 घंटे के अंदर लोग देहरादून से लखनऊ और लखनऊ से देहरादून पहुंच सकेंगे, जिससे यहां के लोगों को सुविधा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में देश को एक से बड़ी एक सौगातें दी हैं। लगातार विकास की जो रेल है वो सरपट पटरियों पर दौड़ी है, विकास तेजी से दौड़ा है। उस क्रम में आज 85,000 करोड़ की जो योजनाएं उनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम उत्तराखंड के अंदर भी अनेक नई नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है, लालकुआ से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से हमारे दोनों ही राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है और बड़ा अच्छा आवागमन होने वाला है। लोग लखनऊ से 8 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून से 8 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वहीं केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ये कानून देश भर में लागू हो गया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA के लागू होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। CM धामी का कहना है कि CAA का ऐतिहासिक कदम था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त हुआ और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भव्य और दिव्य मंदिर बन गया, इसी प्रकार से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये कानून पीड़ित लोगों के लिए बनाया गया था, इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया, इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था, जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन सभी को भारत में इस कानून के बन जाने से यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहोगे इजाजत, नमस्कार।